بسم الله الرحمن الرحيم حامد ومسلي ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلبة الكرام उम्मीद करता हूँ अहबाब खैर से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम तफसीर जलालैन के दर्स नंबर 27 में सिपारा नंबर 16 से सूरह मरियम की मुंतखब करदा आयात 76 से लेकर 82 तक पढ़ेंगे, जिनमें हस्ब साबिक कलाम इलाही और कलाम मुफस्सिर का तर्जमा होगा। कलाम मुफस्सिर की तफसीरी अगराज की तशरीह व तौदी होगी, रबत व ताल्लुक आयात को बयान किया जाएगा और दर्स के ऊपर होने वाले एतराज़ात का जवाब दिया जाएगा। तो आइए तलबा किराम बिला तखीर बढ़ते हैं अपने आज के दर्स की तरफ। रब तआला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا। आइए तलबा किराम सबसे पहले इन आयात का माकबल आयात के साथ रबत और ताल्लुक जानते हैं। मुफस्सिरीन किराम इन आयात का माकबल आयात के साथ पहला ताल्लुक कुछ यूँ बयान करते हैं कि पिछली आयात में मोमिन और काफिर दोनों गिरोहों का जिक्र भी हुआ और उनके अंजाम का भी जिक्र हुआ। अब बताया जा रहा है कि अहले ईमान को दिन ब दिन ज़्यादा हिदायत मिलती रहेगी ताकि उनकी दुनिया भी रोशन हो जाए। दूसरा ताल्लुक इन आयात का माकबल आयात के साथ कुछ यूँ करते हैं कि पिछली आयात में गुमराहों की ढील ज़्यादा होने का जिक्र हुआ, अब यहाँ मोमिन की हिदायत के ज़्यादा होने का जिक्र किया जा रहा है। तीसरा ताल्लुक इन आयात का माकबल आयात के साथ कुछ यूँ मुफस्सिरीन किराम जिक्र करते हैं कि पिछली आयात में कुफार की जानो माल की हलाकत का जिक्र हुआ, अब यहाँ मोमिन की जानो माल और आमाल का ताअबद बाकी रहने का जिक्र फरमाया जा रहा है। आइए तलबाए किराम रबतो ताल्लुक आयात के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स के तर्जमा की तरफ। रब तआला ने इरशाद फरमाया, वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीनहतदूहुदन वल्बाकियातुस्सालिहात, और हिदायत याफ्ता लोगों की हिदायत में रब ताला इजाफा फरमा देता है। किस चीज़ के बसबब? उन आयात के बसबब जिनको उन पर नाजिल फरमाता है, यानी हिदायत याफ्ता लोगों पर नाजिल फरमाता है। वल बाकियातुस्सालिहात, और बाकी रहने वाली नेकियां, वो तो यानी ही ताआत परहेजगारियाँ, तबका लिसाहिबिहा, वो तो इताअत गुजार के लिए ही बाकी रहती हैं। खैरुन इंद रब्बिका, ये बेहतर हैं तेरे रब के नज़दीक सवाब के एतबार से, व खैरुम मरद्दा, और अंजाम के एतबार से ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर हैं। ऐ मा युरद्दु इलैही व युरजाऊ, यानी वो सवाब और अजर जो उसको हासिल होगा, बेखिलाफ आमालिल कुफ्फार, कुफ्फार के आमाल के बरक्स, ये तेरे रब के नज़दीक इंजाम और सवाब के एतबार से ज़्यादा बेहतर है। वल खैरियत है ना, और यहाँ पर जो लफ्ज़ खैर इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर खैर इसमें तफजील का सेगा, और यहाँ पर ये उनके कौल के मुकाबला में जिक्र किया गया है जो काफिरीन ने कहा था, अय्युल फरीकैन खैरुम मकामा, कौन सा गिरोह बेहतर है दोनों गिरोहों में से, किसका मकाम बेहतर है, किसका ठिकाना बेहतर है। उस खैर के मुकाबला में यहाँ पर दो खैर लगा के जवाब दिया गया,
कि रब के हाँ सवाब भी, सवाब के एतबार से भी बेहतर हैं ये वाले मोमिनीन, और अंजाम के एतबार से भी बेहतर हैं। अफरअयत अल्लज़ी कफर बिआयातिना, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने हमारी निशानियों का इनकार किया? वो कौन है? वो आस बिन वाइल है। उसने कहा हजरते खब्बाब बिन अरत से, अल्काइल लहू तुबअसु बाद अल मौती, तू मौत के बाद उठाया जाएगा। क्योंकि हजरते खब्बाब का इन उसकी तरफ कुछ माल था, माली मुतालबा था उससे, कुछ जो आपने उससे लेना था। जब आपने तकाजा किया तो उतायन्ना, अलबत्ता जरूर भी जरूर दिया जाएगा मुझे मरने के बाद उठने पर, मालम व वलादा, माल भी दिया जाएगा और औलाद भी दी जाएगी। फअक्दी का, बस उस वक्त मैं तेरा मुतालबा पूरा कर दूंगा। कौल ताला, रब ताला ने इरशाद फरमाया, अत्तला अल गैबा, क्या ये शख्स गैब जानता है या इसे इल्म हो गया जो ये कह रहा है वो इसे अता किया जाएगा? हमजा इस्तेफहाम आने की वजह से हमजा वसल की जरूरत नहीं रही, लिहाजा हमजा वसल को हजफ कर दिया गया। अमितखज़ इंद रहमानी अहदा, या फिर इसने रहमान के साथ वादा कर लिया है कि ये जो कुछ कह रहा है इसे दिया जाएगा? कल्ला, हरगिज़ नहीं। ऐ ला युति जालिका, यानी इसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सनकतुबु, अन करीब हम लिख लेंगे। नअमुरु बिकत्बिन, हम लिख लेंगे। मा यकूलू, यानी हम हुक्म देंगे इसके लिखने का जो कुछ भी ये कह रहा है। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और हम इसके लिए अजाब को बढ़ाते जाएंगे, यानी हम ज्यादा कर देंगे इसके अजाब को। फौक अजाब कुफर ही, इसके कुफर के अजाब के साथ ये वाले अजाब का इजाफा फरमा देंगे। वनरिथुहु मा यकूलू मिनल माली वल वलदी वयातीना यौमल कियामति फर्दा, और इसके मरने के बाद हम इसके माल को, इसकी औलाद को ले लेंगे, यानी जो कुछ ये कह रहा है हम इससे ले लेंगे। वयातीना, और आएगा हमारे पास कयामत के दिन फर्दन अकेले, ला माल लहू वला वलद, न इसके पास माल होगा न इसके पास कोई औलाद होगी। वत्तखजू, और बना लिया है ऐ कुफार मक्का, इन कुफार मक्का ने, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, अल औसाना, बुतों को अपना माबूद बना लिया है। याबुदूनहुम, ये उनकी पूजा करते हैं। लियकूनू लहुम इज्जा, ताकि वो बुत इनके लिए बायस इज्जत हो जाएं, इनके सिफारशी बन जाएं। रब की बारगाह में भी अल्लाह युअज़्ज़िबू, ताकि वो सिफारिश करें और रब ताला इनको अजाब ना दे। कल्ला, हरगिज़ नहीं। ऐ ला मानिआ मिन अजाबिहिम, कोई भी माने नहीं होगा इनके अजाब से। सयकफुरूना, वो अन करीब इनकार कर देंगे। अयल आलिहा, यानी जो इनके माबूद हैं वो ही इनकार कर देंगे इनकी इबादत का, इनकी पूजा का। अयन फूनाहा, यानी वो नफी कर देंगे। कमा फी आयतन उखरा, जैसे एक और आयत में मजकूर है। मा कामू इयाना याबुदून, यानी ये लोग हमारी पूजा करते ही नहीं थे। वह यकूनूना अलैहिम दिद्दा, और वो इनके जो माबूद होंगे वो उल्टा इन्हीं के मुखालिफ हो जाएंगे और इन्हीं के दुश्मन बन जाएंगे। आइए तलबाए किराम, तर्जमा के बाद बढ़ते हैं आज के दरस की तशरीह व तौदीह की तरफ। व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना अहतदू, यहाँ से बयान कर रहे हैं उन मोमिनीन की शान को कि रब ताला इनकी शान को मजीद बढ़ाता रहेगा उन आयात के वसब जो इनके ऊपर तिलावत की जाती हैं, जो इनके ऊपर नाजिल की जाती हैं। यानी रब ताला इन नेक पाक आलिमीन, मुत्तकीन आबिदीन, जाहिदीन
औलिया की हिदायत यानी कुर्ब जमाल, नूर मारिफत, ईमानो इत्तकान, तौफीक के खैर दीन की समझ को रब ताला बढ़ाता ही रहेगा। वल बाकियातु सालिहात, और इनके जो नेक आमाल हैं, यानी ए कायनात वालों समझ लो कि यही वो खुशबख्त और नेक लोग हैं जिनका हर कौल फेल, अमल जाहिरी बातिनी, नियत व इरादा, दीनी दुनियावी इबादत, रियाजत, तस्बीह व तहलील, हर चीज़ जो है वो सालिहात हैं, और इनके सालिहात जो हैं वो बाकियात हैं, और हर बाकियात मुफीद हैं। इसीलिए मोमिन अगर जाहिरन फकीर भी नज़र आता हो, मगर हकीकतन वो कुल आलमीन में अमीर और रईस हुआ करता है, क्योंकि इसकी दौलत कुरान व हदीस, इबादतों, तकवा, तहारत, सब्र व इश्क, इखलाक व इल्म हुआ करती है। इसलिए उसकी जितनी भी ताआत होंगी वो बाकी ही रहेंगी, और इनका सवाब भी अच्छा होगा और अंजाम भी अच्छा होगा, ठिकाना भी अच्छा होगा, अदले का बदला भी अच्छा होगा। इसलिए दुनियावी सवाब और बदले से उखरवी सवाब और बदला अच्छा देर पा और बाकियात है। काफिर जो है वो बज़ाहिर रईस आज़म होकर भी मोहताज, फकीर, जलील, मुफलिस और बेकस होगा। यानी गोया बता दिया कि कुफार के मुकाबले में मोमिनीन की ही शान बेहतर और बेहतर होगी। अफरअयत अल्लज़ी कफर बिआयातिना, क्या नहीं देखा आपने उस शख्स को जिसने हमारी आयात का इनकार कर दिया। इस आयत मुकद्दसा का शाने नुज़ूल जानिए। हज़रत खुब्बाब बिन अरद का कुछ कर्ज़ा मजदूरी का ज़माने जाहिलियत का मुशरिक मक्का आस बिन वाइल के ऊपर था। जब एक दफ़ा आपने अपने कर्ज़े का मुतालबा किया तो आस बिन वाइल ने कहा, अगर तू मुर्तद हो जाए और दीन इस्लाम को छोड़ दे तो मैं तुझे तेरा कर्ज़ा वापस कर दूंगा। तो हज़रत खुब्बाब को बड़ा गुस्सा आया और आपने फरमाया कि ऐ मरदूद, भला मैं रसूलुल्लाह का दामन छोड़ दूँ थोड़े से कर्ज़ा के लिए? तू अगर मर कर भी दोबारा जिंदा हो जाए तब भी मैं दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो तअज्जुब से कहने लगा, क्या कोई मर कर भी जिंदा हो सकता है? आपने फरमाया, हाँ ऐसा ज़रूर होगा। तब इस्तेहज़ाअन कहने लगा, अच्छा अब मैं कर्ज़ा तब ही दूंगा जब मैं मर कर दोबारा जिंदा हो जाऊंगा और मुझको फिर माल और औलाद मिलेगा। इस पर ये आयते मुकद्दसा नाजिल हुई, अफरअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना। तो उसने कहा कि मैं उसी वक़्त अब कर्ज़ा दूंगा जब मैं मर कर दोबारा जिंदा होऊंगा, उस वक़्त मुझे मालो दौलत अता की जाएगी। क़ाल तआला, रब तआला ने इरशाद फरमाया, अत्तला अल गैब, गोया ये तो ऐसे बातें कर रहा है, अत्तला अल गैब, क्या ये गैब पर मुत्तले हो गया है? यानी गुयूबाते इलाहिया और लोहे महफूज या मलाइका अर्शो कुर्सी की गैबों पर ये मुत्तला हो चुका है, यानी ये इसे वो सब कुछ अता किया जाएगा जो कुछ ये कह रहा है, या फिर इसने रब के साथ कोई वादा बांध लिया है कि रब ताला इसे हर चीज़ अता करेगा जो जो ये कह रहा है। कल्ला, हरगिज़ इसे नहीं दिया जाएगा जो कुछ ये कह रहा है। सनकतुबु न अमरु बिकुतुबिन, हम लिखने का हुक्म कर देंगे फरिश्तों को कि जो कुछ ये कह रहा है उसको लिख लिया जाए। वन मुद्दु लहू मिनल आजाबी मद्दा, और हम इजाफा कर देंगे इसके आजाब में, फौक आजाब कुफरी ही, इसके कुफर के आजाब के ऊपर इसकी इन बातों की वजह से मजीद इसे अजाब दिया जाएगा। यानी ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि फरिश्ते इनके कंधों के ऊपर बैठे जो कुछ ये बोल रहे हैं सब चीज़ों को लिख रहे हैं, और उन्हीं लिखने के बसबब इनके आज़ाब में इजाफा कर दिया जाएगा। वा नारी सुहू मा यकूलू,
और हम ही काबिज हो जाएंगे इसके तमाम मालो असबाब आलो आयाल ऐशो आराम पर, जिनके बलबूते पर वो हर कुफरों शिर्क जुल्मों सितम जबरो तअद्दी फिस्को फुजूर करता चला जा रहा था। तो हम ही काबिज हो जाएंगे इसकी हर चीज के ऊपर, और ये कयामत के दिन हमारी तरफ अकेला ही आएगा। ला माल लहू वला वलद, इसके पास ना कोई माल होगा और ना ही कोई औलाद होगी। अव्वलन जब कुबूर से उठकर सब मोमिन काफिर अकेले ही मैदाने महशर में हाजिर होंगे, फिर मोमिनीन को महशर में औलाद से, फरिश्तों से, साथियों से मुलाकात भी होगी, और जन्नत में हर किस्म की दौलत भी मिलेगी, और हर ख्वाहिश भी आनन फानन पूरी हो जाएगी। वत्तखज़ू, और यही कुफ्फार हैं जिन्होंने बना लिया रब ताला के अलावा माबूद बुतों को, इस आस पर के ये बुत जो हैं ये सिफारिश करेंगे रब ताला के हाँ इनकी, और इन्हें अजाब नहीं दिया जाएगा। कल्ला, हरगिज नहीं। ऐला मानिआ मिन अजाबिहिम, इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, और इन्हें रब के हाँ अजाब जरूर भी जरूर दिया जाएगा। सयकफुरूना अयल आलिहा, इनके जो माबूद होंगे यानी जिन चीज़ों की ये इबादत करते थे वो ही इनकार कर देंगे इनकी इबादत से, कि मौला हमने तो ना इन्हें कहा था कि हमारी इबादत करो, ये खुद ही हमारी इबादत में पड़े हुए थे, लिहाजा हमें नहीं पता कि कब इन्होंने हमारी इबादत की है। और एक कौल के मुताबिक ये भी है कि ये काफिर खुद ही बुतों की इबादतों परस्तिश का इनकार कर देंगे। वल्लाही मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम हम तो दुनिया में मुशरिक नहीं थे, ये खुद ही ऐसा कहेंगे। व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और जो इनके माबूद होंगे वो उल्टा इन्हीं के मुखालिफ और इनके दुश्मन बन जाएंगे, और वो यूं कहेंगे मा कानू इयाना याबुदून, कि ये तो हमारी पूजा नहीं करते थे। आइए तलबाए किराम बढ़ते हैं आज के दर्स के ऊपर होने वाले एतराज़ात की तरफ। आज के दर्स के ऊपर पहला एतराज़ ये होता है कि फरमाया गया या अतीना फर्दा, कि हर शख्स कियामत के दिन जो हमारे पास वो अकेला आएगा, मगर दूसरी जगह इरशाद फरमाया यौम नदउ कुल्ल अनासिन बिइमामिहिम, कि हर शख्स को उसके इमाम और लीडर के साथ बुलाएंगे। तो दोनों आयात में तआरुज़ क्यों है, इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं कि या अतीना फर्दन में कब्रों से उठकर मैदाने महशर की तरफ जाने की बात है, और यो मनदउ में मैदाने महशर में जमा करके बुलाने की बात है। दूसरा एतराज़ आज के दर्स के ऊपर यूं होता है, फरमाया गया नमुद्दु लहू मिनल अज़ाब मद्दा, के काफिरों को लंबा अज़ाब देंगे, उनके अज़ाब में ज़्यादती कर देंगे। तो गोया साबित ये हुआ कि अज़ाब दायमी नहीं होगा, बल्कि किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा काफिरीन के लिए। तो इसका जवाब ये देते हैं कि नमुद्दु लहू मद्दा का जो माना है वो दराज़े मुद्दत नहीं, बल्कि वो दराज़े मकामाते जहन्नम मुराद है, यानी जहन्नम के मकामात में इनको घसीटा जाएगा।